नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। मेरे कुछ खास दोस्तों के नाम हैं रूबी जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, सिनेमा गोल्ड स्क्रीन, ये इनका नाम मुझे नहीं पता लेकिन इनके भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। और आप सबके इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं हर बार आप सबके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लाने की कोशिश करती हूँ। और एक ख़ास बात, मैं बहुत जल्दी आप सबको अपनी टीम से मिलवाऊँगी, पूरी की पूरी टीम से। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबका और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। जब हमारा परिवार बढ़कर कम से कम 10K तक आ जाएगा तब मैं आपको अपने पूरे टीम से मिलवाना चाहूँगी। और मुझे उम्मीद है आप सब अगर कहानियाँ पसंद करते हैं तो उसके साथ साथ अपना फीडबैक, अपना सपोर्ट अपने कमेंट के माध्यम से तो दें ही, उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसे राइटर की जिसके अंदर एक जुनून, एक पैशन था। वो हमेशा से कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बहुत बेहतर करना चाहता था। उसका नाम था सागर। सागर ने पहले भी एक बुक लिखी थी, वो बुक काफ़ी सुपरहिट रही थी और उसी बुक के बाद उसे कुछ लोगों ने साइन किया था और उसने उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो कितने समय में अपनी ऐसी ही बेहतरीन एक दूसरी बुक भी उन लोगों को छापने के लिए देगा। लेकिन सागर ने जो वो बुक छापी उसके बाद सागर को वैसी कुछ बेहतरीन चीज़ मिल ही नहीं रही थी और धीरे धीरे सागर के ऊपर अब प्रेशर बढ़ने लगा था क्योंकि उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही थी। और सागर के पास अभी भी ना तो कोई मोटिवेशन था और ना ही कोई नई कहानी। सागर काफ़ी परेशान हो चुका था। उसके पब्लिशर ने अब सागर से ये कहा कि अगर तुम इतने दिनों में, मतलब कुछ दिनों की लिमिट देकर, अगर कोई दूसरी किताब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और तुम्हारे ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। सागर इस बात से काफ़ी चिंतित हो गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, राइटर्स काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ऐसे ही सागर भी था, वो कुछ भी नहीं लिखना चाहता था। सागर को जो चीज़ चाहिए थी उसे वही चीज़ चाहिए थी। सागर ने अब इस चीज़ के लिए एक नई कोशिश शुरू की। सागर ने ये तय किया कि वो अब अलग अलग और नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाएगा और वहाँ पर खुद के लिए कोई मोटिवेशन तलाश करेगा। सागर इसी तलाश में निकल गया घूमने के लिए। सागर ने लगभग पूरी जगह घूम ली, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर जगह, यहाँ तक कि वो हिमालय के कुछ हिस्सों में भी जाकर आया। लेकिन इतना करने के बाद भी सागर अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। सागर को कोई भी अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिली। सागर इन जगहों पर जाकर काफ़ी खुश हुआ, उसको काफ़ी अच्छा भी लगा, लेकिन स्टोरी के नाम पर अभी भी उसके पास कुछ नहीं था।
सागर काफ़ी परेशान हो चुका था और ऐसे ही वो ट्रेन में ट्रैवल करके शायद अपनी आखिरी जगह पर घूमने के लिए जा रहा था। तभी ट्रेन में उसे एक लड़की मिली और वो उसकी पास के ही सीट पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत होते होते दोनों में थोड़ी ही देर में काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी और सागर ने फिर ये बताया कि वो क्या करता है। सागर के बारे में सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई। सागर ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तब सागर ने पूछा, अरे क्या बात है, मेरे काम के बारे में सुन के तुमको हंसी क्यों आ रही है? उस लड़की ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके काम के बारे में सुनकर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, आप देखने से राइटर बिल्कुल नहीं लगते। सागर ने तुरंत ही भौवें चढ़ाते हुए पूछा, राइटर नहीं लगता तो क्या लगता हूँ मैं? इस पर उस लड़की राखी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और बात आई गई हो गई, वो दोनों आगे बातें करने लगे। राखी ने तुरंत ही सागर से पूछा, आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताइए। सागर ने कहा, मैंने इससे पहले सिर्फ एक ही बुक लिखी है जो कि रियलिटी के काफ़ी आसपास है। और उस बुक के बारे में उसने राखी को बताना शुरू किया। राखी उस बुक के बारे में सुनते हुए लग रहा था जैसे मंत्रमुग्ध हो गई है। थोड़ी ही देर में राखी ने कहा, वाह यार आपने तो सच में बहुत बेहतरीन बुक लिखी है, तो अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं लिख पा रहे? इस पर सागर ने थोड़ा सा चेहरा उदास करते हुए कहा, अब मैं क्या बताऊं राखी तुमको, मैं सच में ऐसी ही किसी कहानी के तलाश में ही भटक रहा हूं, लेकिन आज लगभग एक महीना पूरा होने जा रहा है और मुझे अभी तक मेरे मन मुताबिक कोई भी कहानी नहीं समझ में आ रही। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस बार मुझे मेरी मन लायक कहानी मिलेगी भी या नहीं। इस पर राखी ने थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद कहा, सागर एक बात कहूँ? सागर ने तुरंत कहा, हाँ कहूँ ना। राखी ने कहा, अगर आप सच में अपने मन मुताबिक कोई कहानी लिखना चाहते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं और आपकी पहली कहानी सुनकर मुझे जैसा समझ में आया है, आपको जैसी कहानी चाहिए ऐसी मेरे पास एक जगह है, मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? सागर ने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब राखी ने कहा, क्योंकि वो जगह काफ़ी अंदर है, उसके अलावा उस जगह पर कोई भी नई आधुनिक चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इस पर सागर ने सवाल करते हुए कहा, मतलब? राखी ने तुरंत समझाते हुए कहा, मैं आपको एक बहुत पुराने गांव या कबीला, आप उसे जो कहना चाहें, मैं उसके बारे में बता रही हूँ और उस जगह पर आज भी लोग पुराने तरीके से ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा कुछ भी, इंटरनेट, फ़ोन, कुछ भी काम नहीं करता। तब सागर ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे उस जगह के बारे में और बताओ। फिर राखी ने बताना शुरू किया। उसने उस जगह के बारे में एक एक बातें सागर को एक्सप्लेन की और उस जगह के बारे में राखी के मुंह से सागर को सुनते ही ये तुरंत मन में ख्याल आया कि मैं तो इस जगह जरूर जाऊंगा, क्योंकि सागर ने पहले ऐसी कोई जगह ना कभी देखी थी और ना ही कभी ऐसी किसी जगह के बारे में सुना था। सागर के मन में पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी कि उसे यहाँ पर उसके मन मुताबिक कोई अच्छी कहानी ज़रूर मिल जाएगी। और सागर ने उस जगह के बारे में राखी से सारी जानकारी हासिल कर ली और राखी ने ये बताया कि वहाँ ना तो ट्रेन जाती है
और ना ही बसेस। आपको काफ़ी दूर बस से उतरना पड़ेगा और उसके बाद जंगल में अंदर, बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जहाँ पहुँचेंगे, जंगल के बीचों बीच, वहाँ वो कबीला या छोटा सा गांव है, और वहाँ से भी और अंदर जाने के बाद आपको जंगल की असली खूबसूरती दिखाई देगी। जंगल में नेचर का ऐसा खूबसूरत नज़ारा जो आपने शायद आज से पहले ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, और ना ही कहीं किताबों में पढ़ा भी होगा। और अब सागर इस जगह पर जाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक था। थोड़ी ही देर में राखी का स्टेशन आया, दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज किए और सागर उस जगह के लिए आगे बढ़ गया। अगले दिन सागर वहाँ पर शाम तक बस से उतर चुका था और सूरज ढलने ही वाला था। सागर के दिमाग में वो मैप छप चुका था। सागर राखी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते 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 आखिरकार सागर उस जगह पर जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां दूर से ही उसे मशालों की रोशनी दिखाई दे रही थी। सागर जब उस जगह पर पहुंचा, तो वो जगह हूबहू वैसी ही थी जैसे कि राखी ने एक्सप्लेन की थी। और वहां पर पहुंचते ही सागर ने अपने बारे में बताया। वहां के लोग काफी मिलनसार थे। तुरंत ही सारे लोगों ने सागर का दिल से स्वागत किया और फिर सागर की ऐसी आवभगत की जैसे कि सागर उनका खुद का ही कोई सगा या रिश्तेदार हो। सागर को ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थीं, क्योंकि सागर को ऐसे दिल से वेलकम शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और सागर अब रात भर उनमें से ही किसी एक के घर पर रुका हुआ था। सागर बहुत बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार सुबह हो गई और सुबह होते ही सागर ने तुरंत वहीं के एक गांव वाले से पूछा, जंगल में कोई ऐसी अंदर जगह है जो कि ऐसी ऐसी है और इतनी खूबसूरत है? उसने एक बार सागर की तरफ देखा और कहा, हाँ बाबूजी है तो, लेकिन आप ऐसी जगह पर जाकर क्या करेंगे? वहाँ आप जैसे शहरी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ जंगल का खूबसूरत नज़ारा ही है। इस पर सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उस जगह को एक बार देखना चाहता हूँ। गांव वाले ने भी तुरंत सागर को आगे का रास्ता समझा दिया। वैसे भी सागर के दिमाग में राखी का बताया रास्ता था ही, और वो रास्ता बिल्कुल सेम था जो कि गांव वाला बता रहा था। सागर थोड़ी ही देर में अंदर उस जंगल में और अंदर पहुंच गया। जब सागर वहां पर पहुंचा, उससे पहले ही सागर को वहां की सुगंधित फूलों की खुशबू इतने ज़्यादा तेज तरीके से आ रही थी जैसे मानो वो फूल, वो खुशबू खुद सागर को अपने पास बुला रही हो और अपने आप तक पहुंचने का रास्ता बता रही हो। सागर तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे अब आंखें बंद करके ही उस जगह पर पहुंच जाएगा। थोड़ी ही देर में सागर उस जगह पर पहुंचा और उस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हर तरफ ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पेड़ जो कि सागर ने आज से पहले सच में कभी कहीं नहीं देखे थे। उन फूलों की खुशबू से वो पूरा जगह, वो पूरा माहौल महक रहा था और उस जगह का माहौल पूरी तरह से अलग, मन मोह लेने वाला था। सागर तो जैसे उस जगह में खो सा गया था और सागर थोड़ी दूर और अंदर जाता जा रहा था। उस जगह को देखकर उस जगह की खूबसूरती को अपने आँखों में भर लेना चाहता था और उस जगह को महसूस कर रहा था। तभी जब वो आगे बढ़ रहा था, उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी कोठी या फिर आप उसे महल भी कह सकते हैं, वो दिखा। वो जगह बाहर से सुंदर तो थी,
लेकिन देखकर पता चल रहा था कि वो जगह काफ़ी पुरानी है और वहाँ पर कोई ख़ास मेंटेनेंस वगैरह भी नहीं किया गया है। सागर अभी उस जंगल, उन फूलों, उन माहौल को महसूस कर रहा था और सागर वहीं पर बैठकर कुछ लिखने लगा। सागर ने कुछ पन्नों की शुरुआत कर दी। थोड़ी ही देर में जैसे शाम ढलने लगी, वहाँ अचानक एक चौकीदार जैसा आदमी उसे दिखा और उसने सागर को देखते ही कहा, अरे बाऊजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सागर ने तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया, मैं यहाँ पर घूमने आया था और मैं एक लेखक हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ। लेकिन कहानी लिखते लिखते मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया, तो मैं क्या यहाँ अंदर जाकर देख सकता हूँ? उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ के जो मालिक हैं वो अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, तो इस वजह से मैं आपको अंदर जाने को तो नहीं कह सकता। और अगर आप गांव पे रुके हैं तो मैं भी गांव ही जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वापस ले चलूँगा। लेकिन सागर ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। सागर ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। और सागर वहीं जहाँ पर बैठकर कहानी लिख रहा था, वहीं आज वो रात बिताना चाहता था। रात के भी खुशनुमा माहौल को वो महसूस करके कुछ और लाइंस, कुछ और पन्ने लिखना चाहता था उस जगह की खूबसूरती के बारे में। जैसा राखी ने बताया था कि तुम अगर उस जगह जाओगे तो हर हाल में तुम्हें तुम्हारा इंस्पिरेशन और तुम्हें तुम्हारे लिए कोई बहुत बेहतरीन कहानी मिलेगी। अब उसे ये बात याद आ रही थी और उसे राखी की हर बात सच लग रही थी। सच में इस जगह को महसूस करके सागर को अच्छी कहानी तो मिल चुकी थी और वो उसकी शुरुआत भी कर चुका था। लिखते लिखते कब रात बीत गई सागर को पता ही नहीं चला और थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई। तभी सुबह उसे कोई हिलाकर और आवाज़ देकर उठा रहा था। सागर की नींद खुली तब सागर ने देखा सामने वही आदमी खड़ा था जो कि कल शाम में इस हवेली से, इस महल से निकलकर गांव गया था। वो सागर को उठाकर कह रहा था, अरे बाऊजी, आप रात भर यहीं रह गए, आप डरे नहीं? तब सागर ने कहा, इतनी खूबसूरत जगह में डरने जैसी बात क्या है, मैं तो यहाँ लिखते लिखते कब सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और उसने तुरंत ही सागर से कहा, बाऊजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको यहीं बाहर चाय वगैरह कुछ लाकर दे दूँ। सागर ने कहा, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे प्लीज़ अंदर जाने की परमिशन देंगे, मैं अंदर की भी खूबसूरती एक बार देखना चाहता हूँ। तब उसने जैसे तैसे हाँ कर दी और सागर उसके साथ ही चाय पीने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर आते ही सागर सब कुछ भूल चुका था। बाहर की खूबसूरती तो मानो जैसे फीकी सी पड़ रही थी उस महल के अंदर की खूबसूरती के सामने, उसका जवाब नहीं था। और जैसा कि वो बाहर से उस जगह को देखकर सोच रहा था, वो उसके सोच से बिल्कुल परे था। वो जगह बेहतरीन थी, जगह जगह अलग अलग तरह की चीज़ें सजाई हुई थी, अलग अलग तरह के ऐसी ऐसी चीज़ों से उस जगह की खूबसूरती बढ़ रही थी जिसको देखकर सागर बस देखता ही रह गया। थोड़ी ही देर में उसके सामने चाय आ गई। सागर ने चाय पी और उसने परमिशन लेकर अंदर कमरों में जाकर उसकी भी खूबसूरती को निहारने का मन बनाया। अब सागर धीरे धीरे करते करते हर एक कमरे में जाता, हर एक कमरे के खूबसूरत चीज़ों को महसूस करता और धीरे धीरे अपनी कहानी को आगे बढ़ाता जाता, लिखता जाता। ऐसे ही करते करते सागर को पता ही नहीं चला कि कितने दिन बीत चुके थे। अब सागर
लगभग आधी से ज्यादा कहानी लिख चुका था और सागर इस बीच कब खाना खाता, कब सोता, कहाँ सोता, उसे किसी चीज का जैसे सुध ही नहीं था। सागर पूरी तरह से अपनी कहानी में, उनके किरदारों में, इस जगह की खूबसूरती में खो चुका था। देखते ही देखते लगभग 8 महीने बीत चुके थे। उस जगह, उस महल में 1000 से भी ज़्यादा कमरे थे और हर कमरे की खूबसूरती एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती थी। सागर जब एक कमरे में जाता तो उस खूबसूरती को एक्सप्लेन करना, उस खूबसूरती को कागज पे उतारना, सागर यही चीज़ें कर रहा था। और सागर को अभी तक बिल्कुल पता नहीं था कि वो यहाँ पर 8 महीनों से पड़ा हुआ है। और सागर धीरे धीरे एक एक करके कमरों में आगे बढ़ता जा रहा था। और एक दिन सागर को एक ऐसा इंसान मिला जो कि उसके किताब के किरदार से मिलता जुलता था। वो किरदार सागर से कब मिला, उसकी दोस्ती उससे कब हो गई, सागर को तो जैसे अब ये भी याद नहीं था। सागर तो पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका था और सागर उसके साथ धीरे धीरे आखिरी के कुछ कमरों में बढ़ रहा था और अपनी कहानी को भी उसी तरीके से आगे लिख रहा था। उस इंसान ने सागर को ये बताया कि तुम अगर हो सके तो आखिरी के 2 कमरों में बिल्कुल मत जाना। सागर ने उससे ये बात जाननी चाही लेकिन उसने सागर को कुछ नहीं बताया और उसने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वो वापस नहीं आया। लेकिन सागर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सागर तो अपनी कहानी और उस जगह की खूबसूरती में पूरी तरह से डूब चुका था, अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका था। सागर को अब फर्क नहीं पड़ रहा था। सागर आखिरकार आखिर से दूसरे कमरे में आया और उस कमरे में आने के बाद सागर को ऐसा लगा जैसे वहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही कोई था जो सागर के आने से पहले वहाँ से चला गया। सागर का ध्यान टूट चुका था। सागर ने अब बार बार उस इंसान को आवाज़ देते हुए ढूंढने की कोशिश की लेकिन सागर को वहाँ कोई नहीं मिला और सागर को वहाँ एक किताब मिली। सागर ने उस किताब को हाथ में उठाया और उठाकर वो आखिर के कमरे की तरफ पढ़ने लगा। आखिर के कमरे में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं और उन तस्वीरों के नीचे सबके नाम लिखे हुए थे। और सागर ने जब आसपास नज़र दौड़ाई तो वो कमरा जैसे कमरा नहीं कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी था। सागर उस लाइब्रेरी को देखकर भी खुशी हुआ। सागर को ये लगा कि अगर ये किताबें मेरे काम की निकलती हैं तो मैं इन सब को पढ़कर भी कुछ और इंस्पिरेशन लूँगा और कोई नई कहानी लिखूँगा। सागर को वहाँ पर लगी हुई तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे वो इस महल के सारे लोगों की हो या फिर उनके पुश्तों और परिवारों की हो, जैसा कि हर राजा महाराजा किया करते हैं। सागर ने उन तस्वीरों पर और उनके नाम पर इतना कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब सागर ने वहाँ उस लाइब्रेरी से किताबें एक एक करके उठाना और पढ़ना शुरू किया। सागर जैसे जैसे उन किताबों को पढ़ता जाता वैसे वैसे सागर के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। सागर कुछ किताबें पढ़ता, कुछ के 2 पन्ने, कुछ के 4 पन्ने, कुछ के 6 पन्ने और सारी किताबों को एक तरफ फेंकता जा रहा था। लगभग उसने ऐसे ही करते करते 50 किताबें नीचे फेंक दी थीं। अब सागर के दिमाग में कुछ और खटका। सागर ने वापस से उन गिरी हुई किताबों को उठाया और उठाकर उन किताबों के राइटर्स के नाम देखना पढ़ना शुरू किया और दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों की तरफ देखने लगा। सागर अब दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों के नाम से इन किताबों के राइटर्स के नाम को
मिलाने लगा। वो सब सेम थे। सागर को बहुत आश्चर्य हो रहा था। सागर को इतना आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि सागर ने अभी अपनी जो किताब लिखकर पूरी की थी, ये सारी वही किताबें थीं जिनकी टाइटल्स बस अलग थीं। किताबों के अंदर कहानी लिखने का तरीका, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका सब कुछ हूबहू था। सागर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किताब तो अभी मैंने लिखकर पूरी की, इसकी इतनी सारी कॉपीज़ कैसे हो सकती है और इस पर इस महल के पूर्वजों के नाम क्यों लिखे हुए हैं। सागर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सागर अब पूरी तेजी से उस कमरे से निकलकर उस महल से निकलने के दरवाजे की तरफ भागा और वो भागते भागते आखिरकार उसी जगह पर अब पहुंच चुका था जहां सागर अक्सर बैठकर खाना खाता या चाय नाश्ता किया करता था। ये वही जगह थी जहां पहली बार उस नौकर ने सागर को चाय की प्याली पकड़ाई थी। और सागर जब वहां पर पहुंचा तब सागर ने जो देखा, सागर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी क्योंकि वहां पर सागर की डेड बॉडी पड़ी थी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सागर मर चुका था 8-9 महीने पहले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब सागर ने उस जगह से निकलने की कोशिश की, तभी वो नौकर जिसने पहली बार सागर को चाय का कप थमाया था वो उसके सामने आ गया और वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने कहा, बाबूजी, मैंने आपको मना किया था, इस जगह में जाना मना है क्योंकि इस जगह से वापस आना संभव नहीं है और अब आप इस जगह में फंस चुके हैं। अब सागर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हुआ। आखिरकार सागर को अब सारी बातें समझ में धीरे धीरे आ रही थी। वो लड़की राखी जो कि उसे ट्रेन में मिली थी, वो लड़की ऐसी लड़की थी जो कि यहाँ पर फंसे आखिरी इंसान की बेटी थी और वो सागर को इस जगह पर इसलिए भेजने के लिए इतनी उत्सुक थी क्योंकि इस जगह का एक रूल था कि जो भी आखिरी आत्मा इस घर में फंस जाएगी वो तभी आज़ाद हो सकती है जब उसके बदले किसी और को यहाँ पर भेज दिया जाए। अब सागर अपनी मदद के लिए वहाँ आज भी भटक रहा है और किसी अगले के आने का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसी किसी जगह पर आप कभी मत जाना। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करता तो वो कहानी आप हमें भेजें। मैं उस कहानी पर विश्वास करके उस कहानी को हमारे बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। और कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें, वो भी आपका नाम और आपकी जगह के साथ कि आप कहाँ से हमारे इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी दोस्त आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।